क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजल। आइए नजर डालते हैं एक बार आज की हेडलाइंस पर। देश में 24 घंटों में 1,396 नए मामले, 48 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा वंचित की सहायता, लॉकडाउन में सेक्स वर्कर्स, दंगों में घायल पर जेल की दोहरी मार। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में यानी 26 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेकर आज 27 अप्रैल सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 1,396 नए मामले सामने आए हैं और 48 लोगों की मौत हुई है। साथ ही बीते दिन में 381 मरीजों को इस बीमारी से पूरी तरह ठीक भी किया जा चुका है। देश भर में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 27,892 हो गई है, जिसके तकरीबन 22% यानी 6,185 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और 872 मरीजों की इस बीमारी के चलते मौत भी हो चुकी है। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 20,835 पहुंच गई। ICMR द्वारा आज 27 अप्रैल सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 6,65,819 सैंपल की जांच की जा चुकी थी, जिनमें से 40,510 सैंपल की जांच पिछले 24 घंटों में ही की गई। देश भर में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले 4 राज्यों से सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 440 नए मामले और 19 लोगों की मौत, दिल्ली में 293 नए मामले, गुजरात में 230 और 18 लोगों की मौत और राजस्थान में 102 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में बीते दिन 75 नए मामले और 2 लोगों की मौत हुई, तमिलनाडु में 64 नए मामले और 1 की मौत हुई, पश्चिम बंगाल में 38 नए मामले और 2 लोगों की मौत हुई, आंध्र प्रदेश में 36 मामले, बिहार में 31, जम्मू कश्मीर में 29, पंजाब और झारखंड में 15-15 मामले और पंजाब में 1 की मौत भी हुई, तेलंगाना में 11 मामले, उड़ीसा में 9 मामले, कर्नाटक में 3 और 1 की मौत हुई है, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में 2-2 मामले, केरल में 1 नया मामला, मध्य प्रदेश में कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन वहां 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। साथ ही देश के 14 राज्यों में से बीते एक दिन में कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, लद्दाख, मेघालय, गोवा, पुडुचेरी, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। देश में एक बड़ा तबका सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजारता है और लॉकडाउन का इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। आइए देखते हैं इस तबके के लिए जारी सहायता गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। ऐसा रोटी मैं कभी अपने घर में भी नहीं खाई। रोटी भी अच्छी ना? रोटी बहुत बड़ी लगी, खिचड़ी बड़ी मस्त लगी। अब मेरे को यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा है। कितना चाहिए? हाँ, बैठ के खा लो। और तू तो एक आइडिया था कि हम उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करें और एक ऐसी किट बनाएं जो हफ्ता 10 दिन वो आराम से बना करके खा सके, घरों में रह सके। तो ये किट जो है इसमें हम 5 kg राइस, 5 kg फ्लोर और 1 kg शुगर और 2 kg दाल से एक रेड मसूर और चने दाल, नमक, मसाले, ये आइटम्स हम इसमें इंश्योर करते हैं। ये अभी बिहार में जाएगा, मुस्तफाबाद में जाएगा, शक्ति बिहार में जाएगा और दयालपुर एक बिहार में जो अभी हमारे दंगा पीड़ित भाई हैं जिनका घर सारा जल वला गया है, उन सबको दे रहे हैं। और जो यहाँ के लेबर लोग हैं जो जिनको खाना नहीं प्रोवाइड हुआ सरकार की तरफ से, उनको हम दे रहे हैं। पहले यहाँ पे रोड पे घूमे हैं बाइक से, अंदर हमें पता किया जिसके पहले हमने ट्रैक किया है किसकी फैमिली कैसे कहाँ पे नीड है, जो नीड बेस है फिर हमने उन्हीं का नाम रिपोर्ट किया है और फिर हमने उन्हीं को ही सारा सामान पहुँचवा दिया। नहीं, राशन कार्ड नहीं है, हमारी आदमी रिक्शा चलाते हैं, राशन की बहुत परेशानी हो रही है। जिस दिन दंगा हुआ गांधीनगर से आया था काम करके, काम भी डर तो मेरे पत्थरबाजी हो रही थी, मेरे ये पत्थर लगाते ये सर में। मजदूर आदमी है, ठेलियाँ वगैरह भी जल गई हैं, मेरे शोहर की भी और मेरे भाई की भी। कमाने का जरिया कुछ है नहीं, कमाने का जरिया हमारा ख़त्म हो गया। ठेली लगाता था 8 दिन हो गए गाँव से आए हुए, अभी लॉकडाउन हो गया इस वजह से दिक्कत आ रही, राशन पानी कुछ है नहीं, दिक्कतें बढ़ रही हैं।
मेरे पास 150 लोगों की लिस्ट बन चुकी है। मैंने उनकी कंडीशन पहले से ही जानता हूँ, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। एक मैं दिव्यांग है, उसके घर में दोनों बहन भाई दिव्यांग हैं, परचून की दुकान चलाता है, तालीम नामा 16 नंबर गली में रहता है, उसका काम बंद हो गया है क्योंकि वो बच्चों की चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करता है, बेचता है। अब वो बच्चों में पैसा ही नहीं है तो खरीदेंगे कैसे? देखो, जब काम नहीं होगा इंसान को तो काम धंधे से परेशान रहेगा, खाने पीने से परेशान रहेगा, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगा। हाँ दे दीजिए, बिल्कुल अकेले आना। ये थोड़ी कह रही मगर मजबूरी है, एक दिन और रुक जाइए। हमने बचपन से नाचने गाने बजाने का इजड़ो ही साथ। अब नहीं, अब हमारे पैर में छोड़ेगी जब सम बंद। अब नहीं, वेस्ट पेपर का काम है हमारा। सरकार को महीना में 50 से 60 हज़ार, पहले तो 80 हज़ार रुपया तक के महीना देते थे GST, लेकिन सरकार को ये नहीं होता है कि रोटी सब्जी भी खिलाए। घर में रहने से हम लोगों का काम काज तो है नहीं, हमें कहते घर में रहिए, हम क्या घर में रह के दीवारें तोड़ के खाएंगे? भाई खाना। जितनी बदहाली हम देख रहे हैं, हम लोगों ने क्यों अपने ही लोगों को इस हालत में हम ले आए हैं, जहाँ पे जो डिग्निटी के का जो आखिरी हिस्सा है उसको छोड़ के बस पेट भर खाना हो अगले दिन के लिए, आज के लिए, उसी में उनकी पूरी ज़िंदगी हमने केंद्रित कर ली है। बिना नौकरी के, बिना भोजन के जो हमारे देशवासी हैं, वो हमारे भाई और बहन हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने बुज़ुर्ग हैं। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने ही इस बड़े परिवार को इस तकलीफ़ और चुनौती के वक्त में वो सब करें जो हमारे लिए संभव है। दिल्ली में सेक्स वर्कर्स का एक बड़ा तबका पास के प्रदेशों से आता है। लॉकडाउन के दौरान इन्हें दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं इन पर कारवाने मोहब्बत की यह ग्राउंड रिपोर्ट। तो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे अधिकतर हम दिल्ली में देखे हैं, दिल्ली से बाहर देखे हैं, सब जगह ऐसी जगह हमने ब्रोथल देखे हैं जहाँ पे या तो
पुराने जमाने में अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी, या उधर स्टेशन पास है या उधर बड़ा नेशनल या इंटरनेशनल बस अड्डा पास में, इस तरीके से। जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम कुसुम है, मैं ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर की प्रेसिडेंट हूँ। जीबी रोड लेके, होम बेस लेके 2000 बहनों से हमारा मेलजोल है। हमारा काम सेक्स वर्कर बहनों को उनके अधिकार दिलाना। तो सबसे पहले हमारी एक डिमांड है कि जो हमारी सेक्स वर्कर बहनें हैं उनको महिलाओं के सारे अधिकार मिलने चाहिए। किसी भी विभाग में उनके साथ, उनके काम को लेके उनके साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, उनके बच्चों के साथ स्कूलों में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन डाउन हुआ, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो होम बेस में सेक्स वर्कर हैं, क्योंकि बहुत सारे सेक्स वर्कर जो दिल्ली में होम बेस में रह रही है, वो सब माइग्रेंट सेक्स वर्कर हैं जो यूपी, बिहार और राजस्थान की रहने वाली हैं। तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो अपना राशन कार्ड भी बनवाए, कमाने का जरिया उनका ख़त्म हो गया है। पैसा एक तरफ है, पर खाने की ज़रूरत बहुत बड़ी है, जो अभी उनकी पूरी हो जाए। हमने अभी सकूरपुर, बुद्ध विहार, रोहिणी सेक्टर 20, प्रेम नगर, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, वहाँ से जितने भी हमारे संपर्क में बहनें हैं, हम उनको राशन बांट रहे हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद करती हूँ जो लोग हमारे पास तक पहुँचे, हमें राशन पहुँचा रहे हैं और आगे हमें और आशा दे रहे हैं कि आपको ज़रूरत हो तो हम और राशन देंगे, आप चिंता मत करिए। जैसे एक डॉक्टर को, एक टीचर को, एक रिक्शा चलाने वाले को, एक सफाई वाले को, जो जिस लोग जिस नज़र से देखते हैं, एक सेक्स वर्कर को क्यों नहीं देख पाते। दिल्ली दंगों में अनेकों की जान गई और सैकड़ों घायल हुए, जान माल का भारी नुकसान भी हुआ। इस बीच में देश में लॉकडाउन घोषित हुआ, पर खबरें भी आईं कि दिल्ली पुलिस लोगों पर मुकदमे डालकर उन्हें जेल भेज रही है। न्यूज़ क्लिक ने ऐसे ही एक परिवार से बात की, आइए देखते हैं न्यूज़ क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। फिर 25 तारीख की सुबह में वो फिर काम पे को निकला, तो काम पे नहीं गया वो, जैसे रास्ते में सुबह में झगड़े बगड़े हो रहे थे, फिर नहीं गया वो, नाले की तरफ को निकल गया। नाले की तरफ से उसे कुछ बता रहा है कि मुझे पकड़ के ले गए कार में डाल के, और मुझे बहुत मारा जौहरी पुल ले जाके, इतने मारा कि उसके बहुत काफ़ी होठों पे चोट थी, उसके सिर में भी, कमर पे, हाथ टूटा हुआ उसके, बहुत मारा उसे। 15 दिन तक तो उसके उससे खाना पीना बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया गया। इसकी राड के निशान है कमर पे, बहुत हैं, हाथ तोड़ा, ये सारा जबड़ा, दांत भी टूटे हुए हैं उसके, ये होंठ भी फटे हुए हैं सब। वहाँ पुलिस वालों ने इसे बचाया, वहाँ से ये टर्री में कैसे ही करके ये GTB पहुँच गया। वहाँ पर ये 3 दिन रहा, हमें पता चली किसी अजनबी आदमी ने फ़ोन करा कि तुम्हारा बेटा GTB में है। पुलिस वाले आए कि यहाँ से लड़के का पूछताछ करनी है और आप लड़के को थाने में लेके आ जाओ, तो मैं खुद थाने में मैं अपने बेटे को ले गया। वहाँ पे मैं 4-5 घंटे बैठा रहा, तो मैंने कि सर मेरे लड़के क्या हुआ, क्या रात को छोड़ेंगे? रात को 12 बजे तक इंतज़ार करा, हम सो गए, सुबह को गए। जब हम गए तो उन्होंने क्या कि वो फॉर्म वॉर्म भरा और इसके पापा के साइन माइन ले लिए और कहा कि इसका तो चालान कट गया, ये तो थाने जाएगा।
फिर हम दोपहर में खाना ले गए, उसे खाना भी खिलवा दिया। फिर उन्होंने वो जो बर्तन थे हमारे वो भी टिपन विपन न दिया, कहने लगे जब हम इसे जेल भेजेंगे तो हम आपको फ़ोन करके बुलाएंगे। पर उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया ना हमें बुलाया। फिर मैं 10 तारीख की सुबह में गई, उनका सर हमने कल ही जेल भेज दिया। हम सीधे साधे आदमी, हमें तो जैसे जिसने कहा हमने तो ऐसे क्या करा हमने तो। वैसे ये बहुत मतलब मारा बहुत है उसे, और उस आधार के हिसाब से जैसे ही पलस्तर कटा है उसी दिन ही ले गए पुलिस वालों ने, उसी दिन बंद कर दिया। उससे पहले किरांज बरांज वालों के भी फ़ोन आए थे तो कहने लगे हमें इसका मैटर बना के ऊपर देना है चोट फैट का। अब उन्होंने भी फ़ोन किया, बोले मैन के सर वो पुलिस वाले ले गए उसे तो बंद कर दिया। बोले उसे क्यों ले गए, उसके तो बहुत चोट है। मेरे लड़के ने कही कि सर मेरा प्रूफ तो दिखाओ, किस केस में डाल ले हो, क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। मैंने नहीं देखा ना, मैं गया, मैं तो जा ही ना रहा। एक दफ़े हिम्मत भी करी तो पुलिस वालों ने यहाँ से हड़का दिया, क्योंकि हम तो खुद ही इस चीज़ का बहुत वो कर रहे हैं लॉकडाउन का, हम तो अपने घर में ही पड़े रहते हैं। कपड़े भी एक ही जोड़ी पहने हुए हो जो पहनना था। अम्मी का ये नंबर किसके नंबर से कर रहा है कि अम्मी ये यहीं का नंबर है, एक मिनट बात होगी बस इस पर, मेरा टाइम पूरा होगा सलाम करके। फिर आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही। सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर, हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, फॉलो कीजिए फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।